हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैकिंग लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो हम जो टॉपिक कर रहे थे कंप्यूटर नेटवर्क्स में, वो था फीचर्स ऑफ एन कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के कौन से फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं, उसके अंदर से भी हमने थ्री टाइप्स ऑफ फीचर्स को डिस्कस किया था, विच इज कम्युनिकेशन स्पीड, फाइल शेयरिंग एंड स्केलेबिलिटी, राइट। बाकी बचे हुए जितने भी इसके अंदर फीचर्स है वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो के साथ बने रहे, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट फीचर कौन सा आता है। नेक्स्ट फोर्थ फीचर जो आता है वो है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मीनिंग क्या है? हम कहते हैं कि हमें किसी पर्सन का या किसी भी सिस्टम का परफॉर्मा तैयार करना है, तो परफॉर्मा तैयार करने का मतलब क्या है कि उसकी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करना है। इस टाइम पर, पर्टिकुलर टाइम पर क्या परफॉर्मेंस थी, फिर थोड़ी देर बाद परफॉर्मेंस क्या रही, कम हुई, इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, क्या परफॉर्मेंस रही, ठीक है। परफॉर्मेंस मीन्स उसका काम कैसा था, उसको एक ग्रेड दे देना। द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क इज मेजर्ड यूजिंग द रिस्पॉन्स टाइम, यानी कि जो परफॉर्मेंस होता है किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क का, वो कैसे हम मेजर कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर नेटवर्क का परफॉर्मेंस अच्छा है और या फिर नहीं है, उसको मेजर करने के लिए हम किसी भी सिस्टम का या कंप्यूटर नेटवर्क का रिस्पॉन्स टाइम चेक करते हैं। यानी कि सपोज करो दो पर्सन हैं, आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू द नेटवर्क, वाईफाई नेटवर्क समझ लो, ठीक है। दोनों जो है वो वाईफाई नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हैं। फिर एक पर्सन ए ने पर्सन बी को एक फाइल को शेयर करना है, ठीक। अब आप देख रहे हो कि उसके ऊपर टाइमर लग गया, जैसे आप उसको शेयर कर रहे हैं वो शेयर नहीं हो पा रहा टाइमर की वजह से। वो टाइमर जो होता है वो क्या होता है, उस पर्टिकुलर पैकेट को सेंड करने के टाइम होता है कि इतने टाइम में ये सेंड हो रहा है। कोई कोई ऐसे हो जाते हैं कि डायरेक्टली सेंड हो जाता है, वो डायरेक्टली एकदम फास्ट वे में कैसे सेंड होते हैं, क्योंकि नेटवर्क की जो स्पीड है वो अच्छी होती है, ठीक है। अगर नेटवर्क की स्पीड स्लो होगी तो वो आराम आराम से शेयर होगा, आराम आराम से मतलब ज़्यादा नेट कंज्यूम करेगा और शेयर भी आराम आराम से होगा। बट जब नेट की स्पीड अच्छी होती है तो वो कम नेट यूज़ करके भी क्या करता है, ज़्यादा फास्टली स्पीड में उस पैकेट को डिलीवर कर देता है, उस फाइल को शेयर कर देता है। अब ये तो हुई सेंडिंग एंड की बात, जो सेंडर है, रिसीविंग एंड पे भी सेम काम होगा। अगर नेट की स्पीड अच्छी होगी तो फटाफट डाउनलोड कर लेगा, अगर नेट की स्पीड होगी पुअर तो वो टाइम लगाएगा डाउनलोड करने में, ठीक है। जब आप सेंड करते हो उस टाइम पर टाइमर लगता है, डाउनलोड करते टाइम टाइमर नहीं लगेगा, वो सिर्फ इतना दिखाएगा कि कितने परसेंट डाउनलोड हो चुका है। एंड विद द हेल्प ऑफ स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, और कैसे पता लगा सकते हैं, दो चीज़ हुई, एक तो रिस्पॉन्स टाइम कि अगर कोई क्वेरी गई है कंप्यूटर नेटवर्क के पास, उस क्वेरी को कितने टाइम बाद एक कंप्यूटर नेटवर्क एग्जीक्यूट करता है, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम ये देख सकते हैं कि डेटा ट्रांसमिशन जब हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, उस टाइम पर उस डेटा के ट्रांसमिट होने की जो स्पीड है वो कितनी थी। वही वापस से कि डेटा कितना कंज्यूम कर रहा था और उसकी स्पीड कितनी थी। फॉर बेटर परफॉर्मेंस, एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए द रिस्पॉन्स टाइम ऑफ द सेंडिंग एंड द रिसीविंग डेटा फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड टू बी द मैक्सिमम, शुड बी मैक्सिमम। यानी कि जब हम चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा बेटर रहे, बेस्ट रहे, तो किस कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि परफॉर्मेंस बेटर रहेगी, जब सेंडिंग जो है सेंड कर रहा है उसको फटाफट से रिस्पॉन्स मिल गया उसके पैकेट को, और जब रिसीवर रिसीव कर रहा है तो उसके पैकेट को फास्ट रिस्पॉन्स मिल गया। यानी कि जब सेंडर सेंड कर रहा है और रिसीवर रिसीव कर रहा है, उस टाइम पर सेंडिंग और रिसीविंग के प्रोसेस में कम से कम टाइम लगे, रिस्पॉन्स टाइम उसका कम लगे, उस रिस्पॉन्स टाइम को रिडक्शन जो होगा उसी कारण से क्या कह सकते हैं हम कि हमारा जो परफॉर्मेंस है कंप्यूटर नेटवर्क का वो इंक्रीज हो गया, ठीक है, यानी रिस्पॉन्स टाइम कम लगना। नेक्स्ट आता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर शेयरिंग। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर शेयरिंग का मीनिंग क्या हो सकता है, सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, हार्डवेयर जो होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ये बोल सकते हैं। तो हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को एज अ कंप्यूटर नेटवर्क की तरह हम कैसे शेयर कर सकते हैं। सपोज करो जैसे लिनक्स में सिस्टम्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, अगर आपने एक सिस्टम के अंदर एक सॉफ्टवेयर को अपलोड कर दिया परचेज करके, सपोज करो कि एक परचेज करके सॉफ्टवेयर आपने एक कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर वो लाइसेंस लेकर अपलोड करते हैं, टाइम से आप ये कह सकते हैं, ठीक है। फिर जो बाकी उससे जितने भी रिलेटेड कंप्यूटर सिस्टम्स होंगे जिसके अंदर लिनक्स होगा, और वो लिनक्स पर्टिकुलर सिस्टम के साथ जिसके अंदर हमने सॉफ्टवेयर डाला है उसके साथ कनेक्टेड हैं, जितने भी नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उस कनेक्शन के थ्रू एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं जिससे एक कंप्यूटर सिस्टम में जो भी वर्क होगा वो बाकी सब कंप्यूटर सिस्टम में भी ऑटोमेटिकली रन करेगा। यानी कि जब वो कंप्यूटर सिस्टम जो भी उसके अंदर फाइल्स होंगी, जो भी उसके अंदर डेटा होगा, जो परमिशंस होंगी, वो सब के सब परमिशंस बाकी जितने भी नेटवर्क्स उससे कनेक्टेड होंगे उन सबको भी मिलेगी,
वो भी इजिली उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं। कुछ न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, अगर एक पर्सन ने न्यू फोल्डर क्रिएट किया तो वो सब कंप्यूटर्स के अंदर ही क्रिएट होगा। उसके अंदर फाइल एडिट की गई है तो फाइल भी सब कंप्यूटर्स के अंदर ही कनेक्टेड होंगी, अपडेट दिखेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू हो रहा है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या कर रहा है, उन सबको एक ज्वाइन करके एक सिंगल बेस बना रहा है कि ये सब अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, एक ही सिस्टम है, इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी कारण से जो एक कंप्यूटर सिस्टम में होगा वो बाकी सब में भी होगा। ये तो हुई एक बार सॉफ्टवेयर शेयर करने की। हार्डवेयर शेयरिंग कैसे होती है? सपोज करो कि हमारे पास 4 नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, या फिर हम जी सपोज करते हैं 4 नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स हैं और उनका एक प्रिंटर है। प्रिंटर सिर्फ एक ही है। ये 4 में से अगर फर्स्ट वाला सिस्टम अगर कोई कमांड देगा प्रिंटर को तब भी वो प्रिंटर काम करेगा, 2 नंबर वाला कोई कमांड देगा तब भी प्रिंटर काम करेगा, 3 और 4 नंबर वाले अगर कुछ काम देंगे प्रिंट करने के लिए तब भी वो प्रिंटर प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि वो जो प्रिंटर है वो नॉर्मल प्रिंटर नहीं बल्कि शेयर्ड प्रिंटर है। कैसा प्रिंटर है वो? शेयर्ड प्रिंटर। शेयर्ड प्रिंटर में क्या होता है कि प्रिंटर है, हार्डवेयर तो एग्जिस्ट करता है, बट जो उसका नंबर है जिससे वो कनेक्ट हो पा रहा है, वायर्ड भी और वायरलेस भी, जिस तरह से वो कनेक्ट हो पा रहा है वो चारों के चारों कंप्यूटर से कनेक्टेड है। यानी कि कोई भी एक कंप्यूटर भी उसको अगर कमांड देगा किसी भी पर्टिकुलर पेज को प्रिंट करने की, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की, तो वो प्रिंट करके दे देगा। ये नहीं है कि वो सिर्फ एक पे बेस रहेगा, वो चारों के कमांड पर काम करेगा। इससे हमें क्या पता लगता है कि हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों के ही कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू शेयर कर सकते हैं। वी कैन इंस्टॉल द प्रोग्राम ऑन द मेन सर्वर। देखो वही बात कह रहे हैं वो कि हम क्या कर सकते हैं, मेन सर्वर के ऊपर अपनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। देयर फॉर द यूजर कैन एक्सेस द एप्लीकेशन सेंट्रली। इसी कारण से एज ए सेंटर की तरह वो कंप्यूटर सिस्टम या सर्वर वर्क करेगा जिसके अंदर एप्लीकेशन है, और बाकी जितने भी यूजर हैं वो उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। सो वी डू नॉट नीड टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर ऑन एवरी मशीन। इससे क्या होगा, हमें हर एक मशीन पर जा जाकर पर्टिकुलर एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। एक सेंटर वाले पे कर दो, वो सबके लिए सर्वर की तरह काम करेगा, बाकी सब क्लाइंट है, इजिली क्लाइंट सर्वर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं जब कभी भी उनको उस एप्लीकेशन की नीड होगी। सिमिलरली द हार्डवेयर कैन ऑल्सो बी शेयर। इसी तरह से जैसे सॉफ्टवेयर शेयर हो रहा है उसी तरह से हार्डवेयर भी शेयर हो सकता है। जैसे भी हमने एग्जांपल देखा किसका, प्रिंटर का। नेक्स्ट आता है बैकअप एंड रोल बैक इज इम्पोर्टेंट। बैकअप्स क्या होते हैं? हम फोन में भी बैकअप लेते हैं, कंप्यूटर सिस्टम लैपटॉप हर जगह बैकअप हम लेते हैं। ये वर्ड हम यूज करते हैं बैकअप। बैकअप क्या होता है, यानी कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में या हमारे मोबाइल फोन के अंदर कुछ भी फाइल्स पड़ी हैं, जो भी सेटिंग्स हैं, व्हाट्सएप की सेटिंग है या फेसबुक किसी भी एप्लीकेशन की सेटिंग है, या फिर उससे रिलेटेड जो भी डेटाज है, हमारी फोटोज है गैलरी के अंदर, ये सब ठीक है, इन सब का हम बैकअप ले लेते हैं, एक बैकअप फाइल बना देते हैं। जिससे क्या होगा, अगर बाय चांस हम रीस्टार्ट कर रहे हैं अपने फ़ोन को या फॉर्मेट कर रहे हैं, तो उस टाइम पर अगर हम चाहें तो अपने बैकअप को कंसिडर कर सकते हैं। जो भी हमारे पुराने फ़ोन में था फॉर्मेट करने से पहले, वही हमें वापस एज इट इज़ मिल जाएंगी फाइल। जिस जिस फाइल्स का हमने बैकअप लिया होगा, जिस एप्लीकेशन का बैकअप लिया होगा, सिर्फ वही आपको रिटर्न में मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। अगर आप एक बैकअप के ऊपर दूसरा कोई बैकअप ले लेते हैं तो आपको लेटेस्ट वाला बैकअप मिलेगा, पुराना बैकअप नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके जो साइज होता है वो लिमिटेड रहता है। ठीक है, अब बैकअप एंड रोल बैक में क्या होता है, सिंस द फाइल्स आर स्टोर इन द मेन सर्वर। हमारे जितने भी फाइल्स होती हैं वो कहाँ पर स्टोर रहती हैं, मेन सर्वर के अंदर, विच इज सेंट्रली लोकेटेड, जो सेंटर में लोकेट करता है। Therefore, it is easy to take the backup from the main server. इसीलिए main server से हमारा backup लेना हमें आसान हो जाता है। ठीक है, reliability. Reliability क्या है यहाँ पर, अब with the help of the computer networks, there are the fewer chance of occurrence failure. यानी कि यहाँ पर जैसे computer networks हैं, 5 computer networks हैं, अगर उसके अंदर से एक network आपका fail हो गया, आपस में कनेक्टेड तो है सिर्फ डेटा शेयर करने के लिए, अगर बाय चांस उसके अंदर से एक नेटवर्क फेल हो गया तो ऐसा भी हो सकता है कि वो बाकी सब नोड्स पर इफेक्ट करे, और ऐसा भी हो सकता है कि ना करे। ये क्या होता है, उसको टोपोलॉजी पर डिपेंड करता है कि किस टाइप की टोपोलॉजी पे कंप्यूटर नेटवर्क को क्रिएट किया गया, कौन से स्ट्रक्चर से क्रिएट किया गया। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जिसमें अगर एक नोड या दो नोड खराब भी हो जाए तब बाकी सब नोड पर डिपेंड नहीं करेंगे, बाकी सब पर इफेक्ट नहीं होगा। बट कुछ ऐसे भी हो जाते हैं नोड्स किसी किसी स्ट्रक्चर में कि अगर एक नोड भी खराब हो गया तो बाकी सब नोड भी वर्क नहीं कर पाएंगे, जैसे कि रिंग टोपोलॉजी होता है। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। तो यही कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है, फेलियर होने के चांसेस कम होते हैं। अगर है भी, इन केस इफ देयर इज एनी फेलियर, रिकवरी इज फास्ट। अगर फेलियर आ भी जाता है इस केस में तो हम फास्टली उसको रिकवर कर लेते हैं, ये पता लगा कि कौन से नोड में फेलियर हुआ है। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में क्या होता है,
सिक्योरिटी इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. सिक्योरिटी भी क्या है, सबसे मेन फीचर आप कह सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क का है. दिस इज अ कंप्यूटर नेटवर्क टू बी सिक्योर दैट द डेटा टू बी ट्रांसमिट. ये कंप्यूटर नेटवर्क ही है जिससे हमारे डेटा सिक्योरली डेटा को ट्रांसमिट कर देता है, एक मोबाइल से दूसरे पे. ये किसी को हम सेंड करते हैं कुछ तो वो सिक्योरली सेंड हो जाता है. हैकिंग का जो इफेक्ट रहेगा, खतरा रहेगा, वो कम रहेगा. ठीक है. ओवर द नेटवर्क शुड बी द सेफ. अगर हमारा नेटवर्क सेफ रहेगा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन उसको आके एक्सेस नहीं कर सकता बीच में, सिक्योरली एंड टू एंड एनक्रिप्शन रहेगा. द डेटा सेंड बाय द सेंडर, सेंड कौन करेगा, सेंडर करेगा. रिसीव कौन करेगा, रिसीवर करेगा. बीच में कोई उसको हैक नहीं कर सकता. रिसीव एट इट्स एट द रिसीविंग नोड व्हिच सिंपली मीन दैट शुड नो लॉस ऑफ डेटा. इसका सिंपल सा मीनिंग है कि अगर सेंडर सेंड कर रहा है, रिसीवर रिसीव कर रहा है, तो बीच में आपके डेटा का लॉस नहीं हुआ है ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा. ठीक है, जिस टाइम हम डेटा को ट्रांसमिट कर रहे थे उस टाइम पर. तो स्टूडेंट्स, यही हमारा अच्छा टॉपिक. आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा, ईच एंड एवरी पॉइंट. अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है, देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं. वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.